10 साल पहले हम दोनों नेशनल टीम में खेलती थी और बहुत क्लोज फ्रेंड भी थी, और हम दोनों साथ में भी पोजीशन एक ही पोजीशन है, तो अच्छा रिलेशन भी था गेम के अंदर, और ऑफ द फील्ड में भी बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड है। अभी भी हम बहुत अच्छा से बातचीत कर रही थी, और उसको भी मैं पूछा आपका कौन कोच है, मैं भी टीम के साथ आ रहे हैं तो वो असिस्टेंट कोच है, हम बहुत बात किया था। तो अभी खेल शुरू हो गई तो बाद में पता चला हम दोनों सेमीफाइनल होने वाला है, तो बहुत इम्प्रेस भी है, और साथ में प्लेइंग कैरियर में बहुत अच्छा से खेली, और अभी दोनों राइवल हो गया, उसका टीम मेरा टीम के साथ सेमीफाइनल में अभी फाइट करने वाला है, तो मैं रेस्पेक्ट करती हूँ ओपोनेंट को, और मैं मेरा जूनियर को मेरा टीम का प्लेयर को मैं अभी गाइड देती है कि हाँ अच्छा है, और ईशा भी सेमीफाइनल पहुंच गए, हम भी पहुंच गए, पर अपना 100% एफर्ट देना है और जरूर अपना बेस्ट लेवल में खेलकर फाइनल तक पहुंचने के लिए कोशिश करना है, मैं एडवाइस दे रही है। और मेरा फ्रेंड को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ कि उसका टीम भी सेमीफाइनल पहुंच गई। तो सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे चांस मिला बेम बेम के साथ खेलने के लिए। साथ में हम दोनों खेले, जैसे कि बोले आपने कि अभी आप दोनों का मैच है सेमीफाइनल मैच। पहले तो हम लोग खेल चुके हैं प्लेइंग टाइम में, प्लेइंग कैरियर में। बेम बेम हमेशा सपोर्ट करती थी, जब भी हम लोग टीम के साथ होते थे तभी भी सपोर्ट करती थी। अभी भी ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड दोनों जगह में हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। अभी इस बार हम लोग को ये चांस मिला है एक दूसरे के साथ खेलने के लिए। मैं तो पहले विश करूँगी कि मणिपुर टीम को इधर सेमीफाइनल आया है और हमको चांस मिला है। हम लोग पूरी तरह की कोशिश करेंगे कि मैच जीतने के लिए। जैसे कि सबको पता है बेमबेम इंडियन फुटबॉल में क्या है, वैसे ही अभी कोच में हम लोग साथ में। मेरा ये उम्मीद है कि जैसे ही हम लोग प्लेइंग कैरियर में थे, अभी मैच के बाद जस्ट वो मैच के टाइम में हम दोनों दोनों को एगेंस्ट है, उसके बाद हम लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं। मैं श्रद्धांजलि से पहले 1995 से नेशनल टीम में थी, और वो 2 साल मेरे बाद में आई थी 1997, तो उसी टाइम से ही हम मिला था, और साथ में इतना जल्दी कैसे क्लोज फ्रेंड हो गए पता नहीं, कि ऐसा ही है जो फुटबॉल का जो रिलेशन होता है, जो फुटबॉल से सब हर स्टेज से दूसरा स्टेज से जो भी आता है फुटबॉल ही रिलेशन बनाती है। तो मैं फुटबॉल को जो जेंटलमैन गेम बोलता है वही मैं कि ये सुइटेबल है कि किसी ने फुटबॉल को जेंटलमैन गेम बोला था, तो यही हम दिखा रहे हैं कि हर स्टेज से जो भी आते हैं तो बहुत क्लोज होता है। तो ऐसा करके 97 में वो पार्टिसिपेट किया था, मैं भी 97 में साथ में थी, तो उसी टाइम श्रद्धांजलि और मैं मिला था। और एशियन गेम्स हम लोग 1998 में फर्स्ट टाइम, मतलब उस टाइम हम लोग बहुत जूनियर थी, 17-18 ईयर्स थी। तो उससे पहले हम लोग जर्मन में भी एक एक्सपोजर ट्रिप के लिए गई थी, तो मेरा फ्रेंड भी थी मैं भी थी, तो यूरोप में फर्स्ट टाइम एक्सपोजर के लिए गए, तो बहुत खुश है कि यूरोप का जो क्या बोलेगी इन्वायरमेंट और वो लोग का प्रैक्टिस का टैक्टिस टेक्निक हम लोग कुछ आइडिया नहीं था, तो हम खुश है कि यूरोप से हम कुछ सीखने के लिए मौका मिलेगा। तो हम गई थी तो 15 दिन का इंजॉय किया, हम 3 कोचेस के अंदर हमको ट्रेनिंग मिला, तो बहुत अच्छा नॉलेज मिला था। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एशियन चैम्पियनशिप में गई थी, तो मतलब हम लोग के जब के प्लेइंग कैरियर में जो अच्छा परफॉर्मेंस इंडिया का था, तो 5th पोजीशन आई थी, तो 5th पोजीशन आने के बाद हम लोग को डायरेक्ट एशियन गेम्स की क्वालिफाइड हो गई, तो ज़्यादा खुश हो गई कि एक्सपोजर के बाद हम लोग एशियन चैम्पियनशिप में भी खेलने के लिए मौका मिला साथ में। उसके बाद एशियन गेम्स क्वालिफायर में भी हम लोग दोनों साथ में थी, तो बहुत अच्छा होगा खुश हुआ था, क्योंकि 17-18 ईयर्स में एशियन गेम्स खेलना इतना आसान नहीं था, और वुमेन्स फुटबॉल का जो क्वालिफाइड किया था तो बहुत खुश था। तो हम साथ में एंजॉय भी किया, और हार जीत तो होता है एक पार्ट ऑफ द गेम है, पर हमने नेशनल टीम का जर्सी मतलब एशियन गेम्स के लिए जो पहना था तो बहुत खुश था, हम भी खुश थी वो भी खुश थी, तो हम बात किया था कंटिन्यूस, हम हमारे कंट्री के लिए हम कुछ सेक्रीफाइस करके वुमेन फुटबॉल डेवलपमेंट करने में हम थोड़ा हेल्प करके करेगी, ऐसा सोच के हमने बहुत खुश हुआ था। हाँ एग्जैक्टली, जैसे बैम बैम ने बोला है कि हम लोग एक्सपोजर ट्रिप यूरोप गए थे,
हम लोग को कुछ पता नहीं था, बहुत जूनियर्स थे हम लोग, हमारे सीनियर्स थे, तो हम लोग उधर जाके बहुत कुछ सीख के आए। जर्मन टीम के साथ हम लोग मैच खेला, क्लब्स के साथ मैच खेले, सेम जर्मन में हम दोनों एक ही, मेरे रूममेट बेमबेम थी, तो उधर एक हम लोग, वो मणिपुर का है, मैं उड़ीसा का है, बट उधर हम लोग इंडिया हमारा नेशनल टीम के लिए गए हैं। जो उधर जो भी प्रॉब्लम हो रहा था, ऐसा तो कुछ नहीं था, फिर भी कभी भी कभी कुछ हो जाता था तो हम लोग का बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग अच्छा था, ताकि हम लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे थे। उसके बाद जैसे ही बोला, हम लोग एशियन चैम्पियनशिप गए, एशियन चैम्पियनशिप में हमारा फिफ्थ पोजीशन था, और उसके बाद हम लोग एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया, और 16 मेंबर्स का टीम था, तो उसमें हम दोनों को चांस मिला था। हम लोग कभी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा चांस मिलेगा, वो भी एशियन गेम्स, वो चांस मिला, और हम लोग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके आए एशियन गेम्स में, बहुत अच्छा अच्छा टीम्स आए थे, वो एक्सपीरियंस हम लोग को बाद में बहुत काम में आया खेलने का टाइम में। 2005 में मैं और वो रूममेट थी, वो बिना पिलो में सोती थी और क्या क्या बोलती रही, मैं उठ के सोचा था क्या हो गया तेरे को, फिर रोज रात ऐसा बोलते, मैं बोला तू क्या रात में क्या क्या बोल के सोती थी, मैं नींद नहीं आते तुम बोलती रहती, तो मैं उसको भी मजाक किया, बोला मैं मालूम नहीं, मैं बोला तुम ऐसा मत करो पिलो के ऊपर सो जाओ, बिना पिलो में तुम क्या क्या बोलती रहती मुझे पता नहीं, ऐसा मैं उसको मजाक करती थी, वो बोला मैं मालूम नहीं है। मैम को बहुत डर लगता है, कहीं पे कुछ आवाज़ आ जाते थे उसको बहुत डर लगते थे, मुझे बहुत मज़ा आता है उसको सताने के लिए, थोड़ा बहुत उसको डरा भी लेती थी मैं जब भी हम लोग कैंप में जाते हैं तभी। मैम कैप्टनसी तो ठीक है, वो तो ग्राउंड में होता है, बट ग्राउंड का बाहर सब लोग टीममेट्स होते हैं, सब एक फैमिली के जैसे होता है, ग्राउंड में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है कैप्टनशिप के लिए। अभी हम लोग कोचेस हैं, अभी सेमीफाइनल में हम लोग मिल रहे हैं, बहुत एक इतना साल का जो हम लोग का प्लेइंग एक्सपीरियंस प्लस अभी कोचिंग में, अभी भी बहुत कुछ, जब भी मुझे कुछ चाहिए मैं बेमबेम को कॉल करती हूँ, कैसा क्या है, क्या करना चाहिए, हम लोग हमारा जो नॉलेज है शेयर करते हैं, ताकि हम लोग आगे किसी वुमेंस फुटबॉल को डेवलप कर सकें। कभी भी कभी हमारा कोर्सेज वगैरह होता है उसके लिए, कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग सब कुछ शेयर करते हैं, ऐसे ही हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अगर कुछ हमारा स्टेट के लिए, हमारा नेशनल टीम के लिए कुछ कर पाएंगे तो वो अच्छा रहेगा। हम लोग जो प्लेइंग टाइम में किया था, जो एक्सपीरियंस था, अभी वो हम लोग हमारा ट्रेनिंग के साथ शेयर करना चाहते हैं। हाँ, मेरा कुछ ऐसा है कि श्रद्धांजलि सिर्फ गेम में ही नहीं, ऑफ द फील्ड में ज़्यादा टाइम चुपचाप रहती है। मैं बोला था एक खिलाड़ी है, तुमको खिलाड़ी जैसा बनना है तो चुपचाप नहीं, मुंह खोलना है, फाइट करना है, ये सब, और कोई कुछ बोलेगा तो मेरे साथ आके कंप्लेन करेगा मेरे को ऐसा ऐसा, बोला रोया था। मैं बोला तू भी, तेरा मुंह है, तेरा पाँव है, बोलो मैं क्या गलती किया, मैं तू मेरे को ऐसा क्यों बोल रहे, फाइट करो। हम गाय देते रहते हैं कि मैं तो कुछ भी होता है तो मैं तो फाइट करती हूँ, तो वो थोड़ा चुपचाप है। मैं बोला ऐसा नहीं, तू भी फाइट करो, तुम सही है तो तुम फाइट करो, क्यों डर रहे हैं। मैं इसको ज़्यादा टाइम बोलती है इन द फील्ड, वो भी कैप्टनशिप बन गई थी जब मैं चार में खेली थी, तो उसको जो रेस्पॉन्सिव थी उसने थोड़ा कन्फ्यूज होता है तो मेरे साथ डिस्कस करता है, तो मैं उसको मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया, ऑफ द फील्ड भी शेयर करती थी, और जो कोचेस का जो रिफ्रेशर कोर्स ऐसा कुछ आता है तो हम डिस्कस करता है, आप लोग का टॉपिक क्या है, मेरा टॉपिक ये है, तो डिस्कस करके आती रहती है, और कुछ भी हमारा स्टेट का और नेशनल का कुछ भी सिलेक्शन के बारे में कुछ बोलता है तो हम दोनों साथ में डिस्कस करता है, हम भी आप ही क्या कोचिंग करता है या प्रैक्टिस करते नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो नहीं तो फैटी आ जाएगा, तो मैं भी बोलता है मुझे फिगर अच्छा वाला चाहिए इसलिए मैं थोड़ा वर्कआउट करती है, तू भी करो, ऐसा ही मजाक करते, ऑफ द फील्ड भी हम ज़्यादा टाइम बात करते हैं, और फैमिली के बारे में भी पूछते हैं कि आपका फैमिली है, पापा कैसे है, उसका पापा है, मम्मी ने मेरा पापा ने मेरा मम्मी है, तो हम साथ में भी ऐसा सब शेयर करते हैं, तो मैं उसके घर मतलब उड़ीसा में जाने वाला है तो मैं पूछते रहते हैं कि आप क्या लेके आऊँ मेरा मणिपुर से, और वो भी पूछते हैं क्या दे दूँ आपको, ऐसा ही ऑफ द फील्ड भी बहुत अच्छा रिलेशन था। तो कोच बनने के टाइम में भी शेयर करते हैं कि हम दोनों अभी
दोनों साल में बी लाइसेंस कंप्लीट हो गई, अभी ए लाइसेंस के लिए भी तैयार करूँगी। तो वो भी मैं बोला था कि आप भी आओ, मैं भी आ रही हूँ, फिर साथ में शेयर करेंगे तो फ्यूचर में भी हम दोनों डिस्कस करके ए लाइसेंस भी कंप्लीट कर सकेगी और थोड़ा भी हेल्प करेगी, ऐसा हम दोनों बातचीत करती थी। सबसे पहले मैं AIFF एंड गवर्नमेंट ऑफ केरला को धन्यवाद दूंगी कि इतना ये पेंडेमिक पीरियड में ये इनिशिएटिव लिया है नेशन के लिए। दो साल तक नेशंस नहीं हुआ था तो बहुत मतलब सबका थोड़ा बहुत फिटनेस का प्रॉब्लम है। अभी एक बार स्टार्ट हो गया है तो मुझे लगता है आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। आगे जो AFC एशियन कप और अंडर 17 वर्ल्ड कप IWL सब कुछ आ रहा है, इसी से और जो यंगस्टर है, जो गर्ल्स और फुटबॉल को करियर करने के लिए आएंगे, मैं सोचती हूँ ऐसे ही अगर साथ में चलेंगे तो डेफिनेटली वुमेंस फुटबॉल और आगे जाएगा।